नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है। घर से बाहर निकलना मना है। लगातार कोरोना का जानलेवा खतरा बढ़ता जा रहा है और व्यापार जगत के नुकसान के आंकड़े में कई जीरो लग चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। नदियां साफ हो रही, हरिद्वार में गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। इतना ही नहीं, देश के महानगरों में शुद्ध हवा बहने लगी जो आज से पहले कभी नहीं थी। ये हम नहीं बल्कि खुद नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन उर्फ नासा ने तस्वीरें जारी करके दावा किया है। नासा अर्थ के ट्विटर हैंडल से जारी तस्वीरों में दावा किया गया है कि 2016 के बाद से हर साल प्रदूषण का स्तर घातक होता जा रहा है, मगर इस साल के मार्च के बाद से ये स्तर एकदम साफ सुथरा हो चुका है। वजह साफ है, लॉकडाउन। फैक्ट्रियां बंद है, लोगों की गाड़ियां बंद है, लोगों की सड़कों पर आवाजाही बेहद कम हो चुकी है। लिहाजा प्रकृति को कुदरती फैक्ट्री रिस्टोर मोड पर जाने का मौका मिल गया है। नासा की यह तस्वीर काफी सुकून देने वाली है, लेकिन इस तस्वीर में एक समस्या है। एक यूजर ने इन फोटोज पर एतराज जताते हुए नासा को अपनी मैपिंग सुधारने की सलाह दी। दरअसल इन फोटो में कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया, लिहाजा ये एतराज वाजिब है। मगर नासा ने आधिकारिक तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दिया है।